एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे से बना हुआ नाश्ता, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, मेरे कहने पे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पोहे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप पोहा लिया है और इसको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ इस तरह से, और इसको मैं वॉश करूँगी। तो इसमें डालते हैं पानी, तो आप इस तरह से भी इसे वॉश कर सकते हैं, चाहे तो आप एक छलनी में डाल के इसे टैप के नीचे यानी कि नल के नीचे आप इसे वॉश कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप इस तरह से इसे वॉश कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसके ऊपर हमने छलनी रख ली है। अब हम इसे छान लेंगे, इसका जो गंदा पानी है वो निकाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इस तरह से हम इसे वॉश कर लेंगे एक दो बार, फिर से ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और इससे ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो बस इसे हम ऐसे छलनी को उठा के एक बाउल के ऊपर रख देंगे, जब इसका सारा पानी निकल जाएगा उसके बाद हम इसे अलग बाउल में डालेंगे। और ये देखिए मैंने एक अलग बाउल में डाल लिया है इसे, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। अब इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से, बिल्कुल जैसे आटा एक हम तैयार करते हैं उसी तरह से इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है ये, तो बिल्कुल इसको सॉफ्ट सा कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे एकदम। तो जब हम इसकी बॉल बनाएंगे तो इस तरह से इसकी बॉल बन जानी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और आराम से जैसे हम आटे की बॉल बना सकते हैं वैसे इसकी भी बॉल बना सकते हैं। तो बस ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, उनको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और वो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। साथ में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है बारीक चॉप करके, एक टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है, दो हरी मिर्च ली हैं बारीक कटी हुई। अब साथ में इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर डालने से बहुत ही चटपटा बनेगा, एक छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च ले ली है कुटी हुई, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक ले लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे चाट मसाला पाउडर भी डाला है तो उसमें भी नमक होता है, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर ले लिया है कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा आएगा इसे डालने से। और ये मैंने ली है मटर, फ्रोज़न मटर है ये, और ये बहुत सॉफ्ट होती है, हाफ कुक्ड होती है ये ऑलरेडी। तो इसमें अगर आप मटर यूज़ करें तो या तो फ्रोज़न मटर यूज़ करें, या फिर आप मटर यूज़ करें तो उसे बॉईल कर लें उसके बाद यूज़ करें। और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चावल का आटा, आप चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लावर कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं छोटी चम्मच है उसको भर के अच्छी तरह से तीन छोटे चम्मच में डाल रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से भर के उसे तीन छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाल दिया है। और अब इसे कर लूँगी मिक्स सारे मसालों के साथ, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो जो चावल का आटा है उससे हमारी जो नाश्ता हमारा तैयार होगा वो उसमें अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। और चावल के आटे की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, और अगर वो दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड को मिक्सी में चला के आप वो डाल के उसको भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये मिक्स कर लिया है मैंने, और इसमें मैंने एक छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल लिया है,
और ये मैं डालना भूल गई थी तो मैंने लास्ट में डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर ऐड करें और मिक्स कर लेंगे फिर इसे। इस नाश्ते को आप बना के अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और शाम की चाय के साथ भी आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। आप अपने गेस्ट के लिए भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सा बनता है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। इसमें मटर है, इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड की हैं हमने, प्याज वगैरह ऐड की है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आलू है, आलू मटर की टिक्की का वैसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पोहा, आलू मटर और थोड़ी सी सब्जियां हैं, प्याज वगैरह है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बन के तैयार होता है इसका। तो ये देखिए हमने डो तैयार कर लिया है, अब हम इसका इंस्टेंट ही नाश्ता तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी टिक्कियां बना रही हूँ, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल छोटी छोटी या मीडियम साइज़ की बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे शेप दे देंगे और ये हमारी टिक्की बनके रेडी हो गई है। आप इसे टिक्की कह सकते हैं, कटलेट कह सकते हैं, या आप इसे पोहे से बना नाश्ता कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और पोहा है इसमें, तो पोहा थोड़ा हल्का भी होता है डाइजेशन के लिए, तो बहुत ही अच्छा बनता है पोहे से नाश्ता। तो और एक टिक्की बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से मैं बाकी की भी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये मैंने बना के रेडी कर ली है, 7 टिक्कियाँ हमारी बनी है इतने से सामान से। और अब इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये डीप फ्राई करने के बाद ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म रखना है आपको, और उसके बाद आप ये टिक्कियाँ डालें। टिक्कियाँ डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लें आप, और मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। टिक्कियाँ डालने के बाद एकदम से बिल्कुल इसको हिलाएं ना, तकरीबन आधा मिनट के बाद आप इसे फ्लिप करें, आधा मिनट के बाद इसे आप पलट लें इस तरह से। तो नीचे की साइड से देखिए थोड़ा सा ये पक चुकी है, तो बाकी की मैं पलट लेती हूँ इस तरह से। तो इनको उलट पलट करके हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी बनानी है तो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो एक टिक्की और मैंने डाल दी है साथ में, तो ये देखिए इन पे कलर आना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। आप चाहें तो इसी तरह से इसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी जिससे ये और कुरकुरी बनेगी। और जब आप इनको फ्राई करें तो आपको फ्लेम को बस मीडियम रखना है, बिल्कुल ज़्यादा हाई पे नहीं इसको फ्राई करना और बिल्कुल लो पे नहीं करना है, मीडियम सी फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें जिससे अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सी हमारी पोहा और आलू से बने हुए कटलेट्स तैयार हो गए हैं। अब इनको हम इस तरह से कढ़ाई में थोड़ी देर रखेंगे जिससे एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, और एक टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है मैंने जिससे एक्सेस ऑयल निकल जाए इसका। इसको हमने लास्ट में डाला था तो मैंने लास्ट में निकाला है उसे, और फिर से एक बैच में यहाँ पे डाल रही हूँ। इसी तरह से हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया इन पे, फिर से मैंने इसे फ्राई कर लिया है और हमारी 6-7 टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं इतने सामान के साथ। आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने टिश्यू पेपर पे निकाली हुई हैं तो इनका एक्सेस ऑयल थोड़ा सा निकल जाएगा इसके ऊपर, और ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं दिखने में। तो मैंने इनको टिश्यू पेपर पे रखा है थोड़ी देर, उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो ये देखिए हमारी आलू और पोहे से बनी हुई कटलेट्स, आलू पोहे से बना हुआ नाश्ता बनके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, टमाटो केचप के साथ सर्व करें, या आप इसे ऐसे ही इंजॉय करें।
बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें वीडियो को, और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।